हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस डूइंग? होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उस जो जो फ़ोन्स मैंने यूज़ किए अभी तक मेरे बर्थ से, तो बर्थ मतलब 3-4 साल का मैं जब था तब से जो जो फ़ोन्स मैंने यूज़ किए हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सारे फ़ोन्स तो मेरे पास नहीं है, पर कुछ फ़ोन्स मेरे पास अभी भी है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मुझे बचपन से शौक़ था कि कोई फ़ोन वगैरह अगर बंद हो जाए तो मैं उसे फेंकता नहीं था, उसे कलेक्ट करके रखता था। तो मैंने मेरे फ़ोन जो है वो कलेक्ट करके रखे जितने भी मैंने फ़ोन यूज़ किए। तो जो मेरा फर्स्ट फ़ोन था वो एक LG का फ़ोन था जो मेरे पास अभी नहीं है, बिकॉज क्या हुआ था कि वो फ़ोन बंद हो गया था अचानक से और वो रिपेयर के लिए दिया था, पर वो रिपेयर वाले के पास गया और वो फ़ोन वापस आया ही नहीं। तो वो फ़ोन तो नहीं है मेरे पास। उस फ़ोन को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि वो मेरा फ़र्स्ट फ़ोन था और कुछ मैं 5 या 6 साल का रहूँगा तब वो फ़ोन मुझे मिला था और मैं यूज़ भी करता था, उसमें गेम्स खेला करता था। जो यहाँ पे सेकेंड फ़ोन है वो है नोकिया की तरफ से, और ये इस फ़ोन का मुझे नाम तो याद नहीं, पर इस फ़ोन की एक स्पेशल बात थी, यहाँ पे एक सॉकर का गेम था इस फ़ोन में और है मतलब अभी भी, और ये फ़ोन अभी भी काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आपको दिखा रहा है, मैं इसको स्टार्ट किया अभी भी। रिलायंस नोकिया का फ़ोन था, रिलायंस कंपनी ने मतलब इसके साथ कोलैबोरेट किया था। और इस फ़ोन की एक स्पेशल बात जो थी, इस फ़ोन में सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इनबिल्ट इसमें मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया हुआ रहता था। ये फ़ोन तो अभी चलता नहीं है, मतलब यूज़ नहीं कर सकते, और फ़ोन लॉक्ड है तो मुझे इसका पासवर्ड वगैरह भी याद नहीं है क्या है, पर बहुत ज़्यादा यादें इसके साथ जुड़ी हुई है मेरी क्योंकि हम लोग इसके साथ कैच वगैरह खेला करते थे। बहुत बार मैंने इससे पटका है, बहुत सारे लोगों को इस फ़ोन से मारा है मैंने, मतलब ऐसे ही फेंक के मारता था। और ये फ़ोन अभी तक चालू है, इसकी ये बात बहुत अच्छी है। यहाँ पे देख सकते हैं दीक्षांत नाम लिखा है, मैंने भाई का नाम इसमें सेव करके रखा था स्क्रीन के ऊपर। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे फ़ोन ऐसे पुराने वाले देख के, तो इसको फ़ोन को बाजू में रखते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट फ़ोन है वो LG की तरफ से है और रिलायंस इसमें भी CDMA का सिम कार्ड लगाते थे। ये फ़ोन तो अभी चलता नहीं है, इसका मॉडल नंबर 3530 कुछ तो है, RD3530 याद नहीं मुझे, मुझे चेक करना पड़ेगा, चेक करके बता दो उड़ जाओ। RD3530 इसका मॉडल नंबर। ये फ़ोन तो चलता नहीं है अभी, मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये फ़ोन मेरी मम्मी यूज़ करती थी, पर मम्मी से ज़्यादा तो मैं ही इस फ़ोन को यूज़ करता था। उसके बाद आता है नोकिया का 2630 और इसकी कीपैड्स निकल गए और स्क्रीन भी ख़राब हो गई है, ये फ़ोन भी नहीं चल रहा। ये भी नोकिया की तरफ से था, मेरी पूरी फैमिली नोकिया की बहुत बड़ी फ़ैन है तो नोकिया के फ़ोन हम लोग ज़्यादा यूज़ करते थे घर में। मेरे पास बहुत सारे नोकिया के फ़ोन्स हैं तो ये फ़ोन मैंने यूज़ किया था। ये फ़ोन सबसे पहले मेरे पापा ने यूज़ किया था 6-7 साल, और बाद में मुझे मिल गया था ये फ़ोन क्योंकि पापा को नया मिल गया था फ़ोन, तो मैंने ये फ़ोन यूज़ किया था। बहुत सारी यादें इसके साथ भी जुड़ी हुई है। इस पर कैमरा भी है पर इसमें मेमोरी कार्ड नहीं बैठता था, और 24 MB की कुछ इसमें आपको स्पेस मिल जाती थी जहाँ जिसमें आप फ़ोटो सेव कर सकते थे। और ब्लूटूथ, और यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो यूज़र इंटरफेस तब के टाइम बहुत अच्छा था नोकिया का, अभी भी है शायद। अभी तो नोकिया के फ़ोन यूज़ नहीं करते, अगर फ़ोन यूज़ करता हूँ तो सिंपल वाला नोकिया का है मेरे पास, 106 वाला, वो यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है नोकिया की तरफ से 1662 कुछ नाम है इसका, और ये भी नोकिया की तरफ से है। तो ये फ़ोन मेरे दादाजी यूज़ करते थे, अभी ये फ़ोन तो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है क्योंकि इसमें ये बीच में काम करना बंद हो गया था, पर मैंने इसको खोल के थोड़ा सा ऐसा साफ वगैरह करा तो वो चालू हो गया। तो ये फ़ोन भी अभी तक चल रहा है, और इसको मैंने स्पीकर्स वगैरह चेंज कर दिए और ये अभी अच्छा चल रहा है फ़ोन। इसमें सिम कार्ड वगैरह तो नहीं डाला ऑफकोर्स, ये फ़ोन ऐसा ही पड़ा रहता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट फ़ोन है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मेरा जो पहला व्हाट्सअप था मैंने इस फ़ोन में इंस्टॉल किया था और यूज़ किया था। यह है नोकिया की तरफ से एक्सप्रेस म्यूज़िक 500, और तब के टाइम पे ये फ़ोन जिसके पास था भाई वो एक क्लास। ये फ़ोन मेरे मासी के पास था, मासी ने यूज़ किया, बाद में ये फ़ोन ख़राब हो गया तो मतलब स्क्रीन का इशू हो गया था इसको,
स्क्रीन का इशू था इसमें, तो ये फ़ोन मैंने ले लिया। मैंने बोला ठीक है मैं यूज़ कर लूँगा। मैंने ऐसे ही चलाया इसको कुछ 6-7 महीना, आई थिंक 6-7 मंथ्स चलाने के बाद ये डेड हो गया, और बाद में ये चला ही नहीं। तो मैंने रिपेयर करने की कोशिश की, पर रिपेयर वाला बहुत पैसे बोल रहा था, तो इस फ़ोन पे पैसे बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने इसको नहीं किया रिपेयर। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ़ोन को पूरा ओपन करके रखा है, और मैंने टाइट नहीं किए इसके स्क्रूज वगैरह, बटन वगैरह भी गिर चुके हैं इसके। इस फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा था। ये इसका कैमरा कितने इसका था मेगापिक्सल का याद नहीं मुझे। इसका कैमरा कुछ 3.5 मेगापिक्सल का था शायद से, पर ना ये बहुत अच्छा नोकिया के फ़ोन, आपको पता ही है बहुत अच्छा कैमरा रहता है नोकिया के फ़ोन्स का, तो वैसे ही इसका भी कैमरा बहुत अच्छा था, ये फ़ोन भी नहीं चलता। उसके बाद हमने लिया था ये सैमसंग का ड्यूस 2 समथिंग, इसका मॉडल नंबर 3312 है, और यह हमारा फर्स्ट फ़ोन था टच स्क्रीन वाला जो हमने घर में लिया था, मतलब पापा के लिए लिया था वैसे तो, पर ये भाई ने 10 के बाद यूज़ किया था 11th और 12th में। इसमें बहुत सारे हम गेम्स डालते थे और खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। ये फ़ोन भी नहीं चलता। उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने ये फ़ोन यूज़ किया है जिसका नाम है, याद नहीं मुझे नाम, ओ माय गॉड। हाँ ये भी मेरे अंकल का फ़ोन है, तो अंकल के पास तब फ़ोन था, अंकल वो फ़ोन यूज़ करते थे ज़्यादा, ये फ़ोन यूज़ नहीं करते। तो मेरा भाई रशिया गया उस साल, तो हमारे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था भाई को कांटेक्ट करने के लिए, मतलब कांटेक्ट होता था व्हाट्सअप के थ्रू या स्काइप के थ्रू। स्काइप मेरे पीसी में था, कौन पीसी चालू करेगा वगैरह, उसकी वजह से ये फ़ोन यूज़ किया। अंकल ने फ़ोन मेरे पास रखा था ये कुछ टाइम के लिए, तो इससे मैं भाई को कॉल करता था। इसके साथ भी बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी, क्योंकि इसमें टेम्पर रन पूरी की पूरी गेम मैंने अनलॉक करके रखी थी। अनलॉक मतलब सारे कैरेक्टर्स वगैरह अनलॉक थे टेम्पर रन के। तो ये फ़ोन भी अभी काम नहीं करता, मे बी ये काम कर सकता है मुझे पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है। मे बी इसका चार्जिंग पोर्ट का इशू था कुछ तो, या स्क्रीन का इशू था, तो देख सकते हैं इसको ट्राई करके। उसके बाद मैंने फ़ोन जो लिया था वो था ZTE Blade Buds, ये मेरा पहला एंड्रॉयड फ़ोन था, और इसकी वीडियो शायद आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पे आप जाके इसकी वीडियो देख सकते हो। ये फ़ोन ऐसा फ़ोन है, मतलब 2500 का मैंने ये परचेज़ किया था, और ये फ़ोन वर्थ है 2500 के लिए, क्योंकि मैंने इस बार इसको बहुत बार पटकाया वगैरह, इसको कुछ नहीं हुआ है अभी तक ये वर्क करता है एक्चुअली, पर अभी एक इशू हो गया इसमें, इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब हो चुका है, और उसकी वजह से ये फ़ोन चार्ज नहीं होता, एंड इसकी कीज़ जो है वो अंदर दब गए हैं। तो ये फ़ोन एक्चुअली रिपेयर करवा सकते हैं, पर देखते हैं अगर मन किया तो रिपेयर करवा दूंगा मैं इसको फ्यूचर में। इस फ़ोन के बाद जो मैंने फ़ोन लिया था वो था ये, जो Xiaomi की तरफ से है, Xiaomi Redmi 3S Plus। ये प्राइम नहीं है, 3S Plus 2GB वाला वेरियंट है जो मैंने ख़रीदा था, और 16GB रोम वाला। तो मैं इसी से वीडियोस बनाया करता था पहले, जो आपने पहली वीडियोस अगर देखी होगी बहुत पुरानी, मतलब जब स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तब इसी फ़ोन से मैंने सारी वीडियोस बनाई है। इस फ़ोन के पीछे भी एक स्टोरी है एक्चुअली। हुआ क्या था, ये फ़ोन मैंने अपने भाई को दे दिया था, कुछ एक साल यूज़ करके मैंने ये फ़ोन भाई को दे दिया था, और भाई ने रशिया में इसको लेके गया। मेरा भाई बाहर रहता है रशिया में, वहाँ पे MBBS कर रहा है, तो वहाँ पे वो लेके गया था इस फ़ोन को, और वहाँ की ठंडी को ये फ़ोन बर्दाश्त नहीं कर पाया, और ये फ़ोन की स्क्रीन जो थी वो क्रैक हो गई थी। तो ये फ़ोन जब मैंने भाई को दिया, तो भाई का पुराना फ़ोन जो था सैमसंग गैलेक्सी E5 वो मुझे मिल गया था। फ़ोन की हालत बहुत ख़राब है,
एक्चुअली इसके तीन पार्ट हो गए हैं, ये इसकी स्क्रीन भी टूट गई थी, ये है उसका फ्रंट पैनल, ये है फोन और ये उसका बैक। इसी फ़ोन से मैंने रॉम्स वगैरह डालना सीखा था, तो इसके साथ भी बहुत ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई है। मैं रॉम्स वगैरह इंस्टॉल करता था, पहला जो फ़ोन मैंने रूट किया था वो ये फ़ोन था और इसके पीछे मैंने टेक्नोमाइट लिखा हुआ है। तो यस, इतना ही फ़ोन अभी मेरे पास है फ़िलहाल के लिए। इस फ़ोन के बाद मैंने मोटो G5S Plus लिया था और वो फ़ोन में मेरे भाई के पास है अभी फ़िलहाल। ये जब फ़ोन टूटा तब हम लोग नॉर्थ घूमने गए थे और उसके बाद आने के बाद ये फ़ोन तो काम करना ही बंद कर दिया था, तो एक नया फ़ोन की ज़रूरत थी। तो मैंने टेनोर जी लिया था और वो टेनोर जी भाई को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने मेरा मोटो G5S Plus भाई को दे दिया और मोटो G5S Plus वो यूज़ कर रहा है। टेनोर जी के साथ क्या हुआ, तो टेनोर जी मैं कॉलेज में लेके गया था एग्ज़ाम के टाइम। हमने सब ने बैग में अपने फ़ोन्स रख दिए थे और फ़ोन से जब एग्ज़ाम देके मैं आया तब मैंने फ़ोन देखा तो मेरा वॉलेट और फ़ोन दोनों गायब थे, तो कॉलेज से मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो उसकी कंप्लेंट वगैरह मैंने करवाई पर फ़ोन तो नहीं मिला ऑफकोर्स। तो कुछ टाइम बाद मैंने एसस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 खरीदा, वही फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, वही फ़ोन से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी और इसमें शायद एंड्रॉयड 10 का अपडेट भी आ चुका है। अभी तक मुझे नहीं मिला है पर एंड्रॉयड 10 का अपडेट जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं उसका वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय, पीस आउट।